हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग 6.4 एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, फोर्थ और फिफ्थ जो है ना, सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर ऐड करना है। आइए पहले तो हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, बिकॉज मैं आपको ये एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। और लेकिन ये है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया कंप्लीटली, तो आपको दूसरे वीडियोज फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेंड। यानी कि ये जो नंबर्स हमको दिए गए ना, इनमें से वो छोटा से छोटा नंबर हमको पता लगाना है, जिसको अगर हम लोग माइनस करके बाहर निकाल दें तो जो नंबर हम लोग को मिले ना, वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। और फिर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ना, तो उसका स्क्वायर रूट पता लगाना है। तो वो एकदम सिंपल सा है, मेन है कि कौन सा नंबर हम माइनस करें, यानी जैसे 402 दिया हुआ है, तो इसमें से हम कितना माइनस करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये पता लगाना सबसे ज़रूरी है। तो इसका एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको जो डिवाइड करना आपने बचपन में सीखा है ना, उस डिवीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कभी भी जब इस टाइप से क्वेश्चन है कि कोई नंबर हमको माइनस करना पड़े, तब हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर माइनस होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे देखो, यहाँ तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें 402 दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को आप हटा दो, हम लोग कुछ दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपसे ये कहा जाता कि 13 में से बताइए कि कौन सा नंबर हम माइनस कर दें, कौन सा नंबर निकाल दें ताकि वो एकदम अच्छे से डिवाइड हो सके। जैसे देखो, 13 दिया हुआ है ना, अब हम लोग से ये कहा जाए कि आप बताइए कि 13 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 13 एक हमारा परफेक्ट नंबर हो जाएगा जिसको हम लोग डिवाइड दे सकते हैं, तो बताओ वो कौन सा नंबर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 13 को डिवाइड दे के देखेंगे। मान लो जैसे दिया हुआ नंबर को डिवाइड देने के लिए 2 दे दिया गया है, कि बताइए कि 2 से डिवाइड करना हमको 13 को, तो कौन सा नंबर आप 13 में से कितना यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 13 को पहले 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 6 हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया, यहाँ पर माइनस करने के बाद रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ ना, ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ना रिमाइंडर, इसी को अगर हम लोग 13 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा 12, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 13 में से देखो ना, अगर मैं 1 माइनस कर देता हूँ, 1 कौन सा, ये रिमाइंडर को, तो हमको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। और 12 क्या है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना। बस वही चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ भी करना है, लेकिन बस इसमें और इसमें फ़र्क क्या रहेगा, ये सिंपल डिवाइड करके हमने निकाला, और यहाँ पर हमको चूंकि स्क्वायर वाला नंबर दिया हुआ और स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए हम लोग को स्क्वायर वाला डिवाइड किया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, उस तरीके से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा डिवाइड में चेंज भी होगा, कैसे चेंज होगा ये आपको मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो दो का पेयर बनाया जाता है, राइट साइड से डबल नंबर लिया, फिर ये अगर एक सिंगल बचा है तो इसका एक पेयर बन गया सिंगल के साथ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आप डिवाइड वाला इस तरीके से डब्बा बना दो, यहाँ पर 4 है हमारे पास, तो हम क्या जानते हैं कि जो भी नंबर दिया रहे उसको हम लोग देखना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं किसी नंबर का, अगर वो स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसे छोटा नंबर लेंगे, लेकिन ये 4 तो खुद स्क्वायर है 2 का, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड देंगे, 2 जो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। स्क्वायर ही लेना है, ये ध्यान रखना पहले बार में। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ, तो खाली इसका खेल खत्म, बचा कौन सा, 0 और 2 बचा। अगले स्टेप हम जानते हैं क्या होता है, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाता है, तो 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 हो जाएगा हमारे पास 4, ऐड कर दो, यहाँ पर साइड में 4 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर एक अलग नंबर लिखना है। अब देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा, तो 41 बन जाएगा, और 41 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा, जो कि 0 और 2 से बहुत ही बड़ा नंबर है, समझ आ रहा है बात ना। तो अगर मैं 1 भी नहीं लिख सकता तो मैं कौन सा नंबर लिखूँ, 2 लिखूँगा तो वो तो और ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बात ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जब चूंकि छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर आ गया है, यहाँ पर मैं 1 भी नहीं लिख सकता, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो 0 लिखने से क्या होगा, देखो 40 का टेबल, अब यहाँ मैं 0 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा, यही तो हमारा रूल है डिवाइड करने का, ठीक है। तो 40 का टेबल अगर अपन 0 टाइम पढ़ते हैं तो 40 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ फिर हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, समझ में आ गया बात। तो ये जो रिमाइंडर बचा है ना 2, इसी को हम क्या करेंगे, अगर 402 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ अब नहीं लिखना है, बस देखो रिमाइंडर जो बच गया ना, बस उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया। तो यहाँ पर आप सिंपल अब लिखोगे कि वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, ज़्यादा स्टेटमेंट भी नहीं लिखना ना, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 2, यानी कि हम लोग जो है ना केवल 2 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमको मिलेगा क्या,
तो जब 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 402 में से आप माइनस कर दो 2 को, तो आपको मिल जाएगा 400। और अगर आप 400 का स्क्वायर रूट निकालना चाहो ना, तो आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, जो नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 402 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हो रिमाइंडर को, तो आपका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 20 रहेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 20 कर दो, समझ आ गया बात। यानी कि बस आपको सब्ट्रैक्ट करके नंबर दिखा देना है और उसके बाद स्क्वायर रूट। देखो ये नंबर दिखाने के लिए भी नहीं बोला है वैसे, लेकिन हो सकता है आपके टीचर बोले कि नहीं आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद बताइए कि कौन सा नंबर मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में केवल हमको यही बोला था कि आप बताइए कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे और नया वाला स्क्वायर रूट कितना होगा, बस ये दो चीज़ें पूछी गई थी। बाकी आप माइनस करके भी दिखा दो कितना टाइम लगने वाला है, 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो ये इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 1989। सबसे पहला काम क्या रहेगा, पेयर बनाने का रहेगा, पेयर बना लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड देना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 19 मिल गया हमको इस बार के नीचे। तो 19 देखो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 19 से छोटा नंबर हमको लेना है। तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16, और 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25, जो कि 19 से बड़ा है। तो हम 4 का ले लेंगे, 4 4 16, सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा आपके पास 3, और 8 और 9 को यहाँ पर अब उतार दो। अगले स्टेप हम जानते हैं, 4 और 4 ऐड हो जाएगा, तो 4 और 4 का अपन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब क्या करते थे हम, जब नॉर्मल डिवाइड करते थे, जब टोटल हमारे पास पता रहता था कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलने वाला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 में, तब हम लोग ये देखते थे कि लास्ट का जो नंबर है ना 9, वो किसका नंबर किसका स्क्वायर में आता है, 2 से लेकर के 9 तक, यही देखते थे। तो 3 का स्क्वायर मिलता था हमको लास्ट में 9, और एक मिलता था 7 का स्क्वायर लास्ट में 9। लेकिन अब अगर देखो मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर, जैसे हम लोग पिछले बार ये जानते थे पहले कि या तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे या तो 7 लिखेंगे, लेकिन अब चूंकि हम लोग का रिमाइंडर बचने वाला है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 83 बन जाएगा। तो 83 का अगर मैं मल्टीप्लाई फिर 3 से करूँगा, क्योंकि यहाँ मैं अगर 3 लिखूंगा तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, ये रूल है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 103 नहीं देखा तो आपको एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो वो आप पहले जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये देखो अब मैं अगर यहाँ 3 लिखा तो यहाँ भी 3 लिखूंगा, तो 83 का फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 9 और 3 8 हमारा हो जाएगा 24, तो 249 आ रहा है, ठीक है। अगला अगर मैं नंबर यहाँ पर 7 लिखूंगा तो ये फिर हमारा 87 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा। तो 87 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, 389 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ना हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं ना ही 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, 7 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते थे तो इससे सबसे कम मतलब देखा जाता था ना कि कोई नंबर ऐसा हो जो इससे इसी के आसपास आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, अब वो देखना हमको। तो जैसे मैं 3 लिख रहा हूँ तो गलत हो जा रहा है, अब मान लो मैं 4 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 84, और मल्टीप्लाई फिर 4 होगा क्योंकि यहाँ भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 4 16 का 6 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, 4 8 32, और 1 आ गया हमारा 33। तो देखो ये इसके एकदम करीब आ गया। अब अगर अगला नंबर मैं 5 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 85 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस में आपको चेक किए बिना डायरेक्ट आप नहीं बना सकते। तो मान लो अगर मैं 5 लिखता हूँ तो भी ये देखना ज़्यादा चल जाएगा, 5 5 25 का 5 हो गया, कैरी हो गया 2, 5 8 40, और 2 हो गया 42, तो 425 आ गया। यानी कि 3 ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, 5 ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, बीच में कौन बच रहा है हमारा, 4 वाला बच रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 4 लिखने वाले हैं। तो यहाँ 4 लिखा तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 336 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 6 माइनस हुआ आ गया 3, 8 में से 3 माइनस हुआ आ गया हमारे पास 5, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया 3 में से 3 माइनस हो करके, यानी कि 53 हमारा रिमाइंडर है। क्लियर हुआ बात ना, इस तरीके से सब करना है। पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट यहाँ पर हमको नंबर मिल जाता था या तो 3 या तो 7, लेकिन अब आपको नंबर नहीं मिलने वाला, अब आपको मल्टीप्लाई करके कम से कम 2-3 मल्टीप्लाई चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर मिला 53, इसी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट में आप लिखो, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट कितना, तो 53। अब अगर हम लोग 53 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 9 है ना 1989 में से, तो कितना मिलेगा हमको, देख लो 9 में से 3 माइनस हुआ तो आ गया हमारे पास 6, 9 में से सॉरी 8 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया 3, और ये 19 उतर जाएगा, यानी कि हमको 1936 मिलेगा अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। तो बस इसी का स्क्वायर रूट जो होगा ना वो 44 होगा। तो 1936 लिखो स्क्वायर रूट में, और इसका स्क्वायर रूट निकल गया 44, यानी कि हमको 53 सब्ट्रैक्ट करना है तो जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 44 रहेगा। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है वो है 3250। सबसे पहले पेयर बनाया जाएगा, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 32 का पेयर बना है, तो 32 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 5 5 जाए तो 25 होता है, या फिर 6 6 जाए 36 होता है, लेकिन 36 जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 5 ले लेंगे, 5 5 जा 25, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 बचेगा, और ये 50 उतर गया यहाँ पर हमारे पास। हम अगला स्टेप जानते हैं, 5 और 5 को ऐड किया जाएगा तो 5 और 5 हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास 10 आ गया, और यहाँ ध्यान रखो ये ऐड वगैरह करने वाला आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन ऐड किया गया है वहाँ पर भी, बस यहाँ पर शो करके नहीं किया गया है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दूँ तो, है ना। डायरेक्ट अगर मैं 10 लिख देता तो कन्फ्यूज़ हो जाता कि 10 कहाँ से आया, इसलिए मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, और अगर आप ऐड करके लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक में। तो अब यहाँ पर मान लो मैं कितना लास्ट में 0 आया है, तो हम लोग पहले अगर 0 आता तो या तो हम लोग 0 लिखते थे, या तो हम लोग कौन सा नंबर लिखते थे, 5 वगैरह लिखते थे, 5 तो नहीं लिखते थे, 0 ही लिखते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 के स्क्वायर में लास्ट में 0 आता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा नंबर देखने वाले हैं जिससे कि ये पूरा पूरा डिवाइड अगर नहीं भी होता है तो कुछ उससे छोटा नंबर आ जाए। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो 105 के मल्टीप्लाई 5 से होगा, तो यहाँ पर लगभग 500 के आसपास आएगा, है ना, क्योंकि 100 है। तो अगर मैं 6 लिखूंगा तो 600 के आसपास आएगा, और अगर मैं 7 लिखता हूँ तो 700 के पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 107 का मल्टीप्लाई फिर मुझे 7 से करना पड़ेगा, तो 107 जा 700 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना। तो ऐसे पिछले बार तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा था, इस बार हमको मल्टीप्लाई भी करना नहीं पड़ा, हमने दिमाग में ही कर लिया कि लगभग यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई होगा। आप आगे भी चेक कर सकते हो, अगर मैं 8 लिखूंगा तो 8 8 या फिर हमारा 108 का 8 से टेबल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 7 ही लिखना है। तो अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 का 9 कैरी हो गया 4, तो 4 और 0 है तो यहाँ पर 4 उतर जाएगा, और 7 1 जा 7। तो देखो इससे एकदम करीब में आ गया ना एक नंबर। तो यहाँ पर हमारा जब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और हम जानते हैं कि अब क्या करना है हमको, तो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं यहाँ पर कितना, 1 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, और अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 3 2 5 9 5 0 में से माइनस कर दो 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 4 9, और ये जो 3 2 4 9 निकला है यही कितना, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 57 हो जाएगा। बस यही आपको लिख देना है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ नंबर में कितना दिया हुआ है, 825। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, तो राइट साइड से 2 नंबर का पेयर बन गया, लेकिन लेफ्ट में केवल एक ही नंबर बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड दे देते हैं, तो ये आ गया 8। तो 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर या तो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 8 से बड़ा है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4, और ये 2 और 5 उतर जाएगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया जाता है तो 2 और 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा नंबर लिखे जो इसके करीब में आ जाए, तो जैसे कि लास्ट में 5 है, तो मान लो यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ ना, तो 5 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं हम लोग, 45 बन जाएगा, और उसका 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 5 जाओगे 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20, और 2 हो जाएगा हमारे पास 22। तो ये तो बहुत ज़्यादा कम आ गया, यानी हम लोग को 5 नहीं लिखना है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। मान लो अब कौन सा नंबर मैं लिख लेता हूँ, 7 वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है तो 6 चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ तो 47 बन जाएगा, और उसका 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी हो गया 4, 7 4 जो हो जाएगा 28, और 4 32, ठीक है। तो ये भी हमारा लगभग इसके पास आ गया, लेकिन एक हम लोग और चेक कर सकते हैं, 48 से भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है वो इसके और करीब चल जाए। तो 48 का मल्टीप्लाई अब हम लोग 8 से करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ अगर मैं 8 लिखूंगा तो यहाँ भी 8 लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 8 जो हमारा कितना होता है 64, 64 का 4 हो गया कैरी हो गया 6, 8 4 जो हमारा हो गया 32, 32 और 6 हो गया 38, तो ये हमारा और करीब आ गया। अगर मैं 9 से लिखता हूँ तो 49 मल्टीप्लाई, एक बार चेक कर ही लेते हैं, डाउट कल क्लियर हो जाएगा माइंड में, है ना। तो 9 9 81 का 1 कैरी हो गया हमारे पास 8, 9 4 जा हो जाएगा 36, 36 और 8 कितना होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 44। तो ये थोड़ा देखो आगे चल जा रहा है, इसका मतलब हम लोग को कौन सा लेना है, 48 मल्टीप्लाई 8 लेना है। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 384। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया 1, 12 में से 8 माइनस हुआ तो आ गया हमारे पास 4, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 41 बच गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं कितना, 41 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जो कि रिमाइंडर बचा है। सो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते 41, तो 825 में से माइनस करो 41, कितना आएगा हमारे पास, 5 में से 1 माइनस हुआ तो आ गया 4, 2 में से 4 माइनस नहीं होता कैरी लेकर 12 बना, 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8, और ये 7 बचा कैरी देने के बाद, तो 784 आ जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट 784 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट देखें तो हमारा स्क्वायर रूट 28 निकलने वाला है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का उसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4000। और देखो हम जानते हैं क्या है, स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बेसिक से रूल पढ़ा था कि अगर लास्ट में हमारे पास 0 दिए गए हैं तो 0 या तो 2 होता है किसी भी स्क्वायर वाले नंबर पे, या तो 4 होता है या तो 6 होता है। 0 का जो नंबर होता है ना वो इवन होता है, कभी भी ऑड 0 नहीं होते हैं लास्ट में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में, यानी कि 1 0 या 3 0 या 5 0, इस तरीके से कभी भी 0 आपको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं मिलेगा। तो 3 0 इसका मतलब तो जाहिर सी बात ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग को पता लगाना है कि कितने इसमें सेपरेट करना है, तो डबल डबल का पेयर बना लो,
लो, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड वाला साइन करते हैं, 41 गया हमारे पास, तो 40 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 6 6 या तो 36 होता है और 7 7 या 49 होता है, तो 7 बड़ा हो गया तो हम लोग 6 वाला ले लेंगे, 6 6 या 36 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो आ गया 4 और ये 00 यहाँ पर अब उतर जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड भी कर देते हैं, तो 6 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूँ जो इसके आसपास पहुँच जाए, तो मान लो अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ भी 2 लिखूँगा, तो 122 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 244 आएगा, ठीक है, माइंड में जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 123 बन जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 3 से होगा। अगर मान लो इससे मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ ना, तो ये 124 होगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो 100 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 400 तो आ जाएगा, लेकिन 24 का भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमारा 96 के आसपास आता है, ठीक है। तो वो तो फिर हमारा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, यानी कि 4 हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि वो फिर 400 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखा, 3 3 जो हो गया 9, 3 2 जो हो गया 6 और 3 1 जो हो गया 3, ठीक है, समझ में आ गया ना। मैं 4 क्यों लिखा, मतलब 4 अगर मैं लिख देता तो वो 400 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए मैंने माइंड में ही मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि जब कभी भी 100 के आसपास वाला नंबर रहता है ना तो जल्दी से वो दिमाग में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको माइनस कर दो, कैरी लेकर के लास्ट में 10 बनेगा, 10 में से 1 माइनस हुआ तो 1 सॉरी 9 माइनस हुआ तो 1 आ गया, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3 और ये तो पूरा कैरी देने के बाद 3 बचा है, तो 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0, तो 31 जो है हमारा रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी, इधर ही लिख देता हूँ मैं, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं कितना, तो 31, ठीक है, वीडियो में दिख रहा है आपको अच्छे से, तो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 31। तो अगर अपन 31 सब्ट्रैक्ट करते हैं 4000 में से तो कितना मिलेगा हमको, 4000 माइनस 31 कर लो, लास्ट में 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, या 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6 और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 9 बचा, तो 9 का 9 उतर जाएगा और ये 3 का 3 उतर जाएगा। ये तो आता है ना जीरो वाला सब्ट्रैक्ट करना, अगर नहीं आता तो पहले ये सब चीज़ सीख लो, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये सब। तो ये हमारा 3 9 6 9 आ गया, और अगर अपन अंडर रूट देखें 3 9 6 9 का, तो वो कितना निकल जाएगा हमारा, 63 निकल जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको मैंने डिटेल में समझाया, स्टार्टिंग में स्लो स्लो, फिर हमने थोड़ा सा स्पीड भी किया ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये समझ लिया तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा दिमाग आसानी से लगा लोगे, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सामने 2 विंडो बने होंगे, लेफ्ट वाले विंडो में क्लिक करो तो आप सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।